السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آغاز لیتے ہیں آج کے سیشن کا جو کہ رسٹ کے حوالے سے سیشن نمبر 13 ہے اور اوور آل سیشن نمبر 19 ہے رسٹ. اور اس سے پہلے جو ہم نے 4IR کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا, فورتھ انڈسٹریل ریولوشن, تو جناب آغاز کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج جو چیزیں ہم دیکھیں گے, اس سے پہلے پچھلے سیشن میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ اسٹرکچرز ہوتے کیا ہیں, کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان میں آنرشپ والا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے. تو آج ہم اس کے دو بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ڈسکس کریں گے. اس میں سے پہلا اسپیکٹ ہے میتھڈ. میتھڈ پہ جانے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی کمانڈ ونڈو کی طرف. یہاں پہ یہ ہمارا لاسٹ سیشن والا ایک پروگرام ہے آلریڈی بنا ہوا, جس کے اندر ہم نے ایک اسٹرکچر بنایا تھا جس کا نام تھا اسٹوڈنٹ, اور اس کے اندر رول نمبر, نیم, کوئز ون اور کوئز ٹو کے, یعنی کہ یہ چار فیلڈس تھے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد پھر ہم نے نا اس اسٹرکچر کے کچھ انسٹانس بنائے تھے, ان کو کچھ ویلیو سائن کی تھی, اور اس طرح مختلف طرح کے جو ہمارے پچھلے لیکچر کے حوالے سے یا پچھلے سیشن کے حوالے سے کنسیپٹ سے وہ کلیئر کیے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم ایک فنکشن بناتے ہیں. اس فنکشن کا کام یہ ہوگا کہ وہ دو ان کے اسی اسٹوڈنٹ, ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کے جو ہے کوئز ون اور کوئز ٹو, ان کے مارکس ریسیو کرے اور ان کو ایڈ کر کے ریٹرن کر دے. تو ہم ایک فنکشن بناتے ہیں ٹوٹل مارکس جو کہ ریسیو کرے اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ڈیٹا اور ریٹرن کرے U16. ہم نے ایک ٹوٹل مارکس کا فنکشن بنانے کی کوشش کی. اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ ایک اسٹرکچر کا ریفرنس ریسیو کرے اور اس اسٹرکچر کے اندر جو کوئز ون اور کوئز ٹو کے مارکس ہیں ان کو ریٹرن کر دے پلس کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو جسٹ فار دا سیک آف ٹیسٹنگ ہم یہاں پہ اس کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں, تاکہ اگر اس میں کوئی ایرر ہے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے یہ جو کوئز ون اور کوئز ٹو ڈیفائن کیا تھا یہ ہے U8 ٹائپ کا.
ओके जी, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, क्योंकि हमारा कंसेप्ट कुछ और है, तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम एवरेज मार्क्स ले लेते हैं, कि हम किसी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स रिटर्न करवाना चाह रहे हैं एक फंक्शन को। तो इस हवाले से हम इस फंक्शन को फिलहाल डिज़ाइन कर लेते हैं। तो अब हमने एक फंक्शन बना लिया, वो फंक्शन क्या करेगा कि हम उसको कॉल करेंगे और उसको किसी स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट के इंस्टांस का रेफरेंस फॉरवर्ड करेंगे। तो ये क्या करेगा कि ये उस स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज निकालेगा और हमें रिटर्न कर देगा कि स्टूडेंट के मार्क्स की एवरेज ये है। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमने तीन इंस्टांस बनाए हुए हैं, ST1, ST2, ST3। तो हम इस फंक्शन को कॉल करवाते हैं, हम कहते हैं println student average marks are, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट के बाद ST1.name दे देते हैं और यहाँ पे एवरेज मार्क्स वाली जो जगह होगी यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं AVG marks के फंक्शन को और यहाँ पे इसको रेफरेंस भिजवा देते हैं ST1 का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी सेव करने के बाद वो जो हमारा टर्मिनल है उसकी तरफ। ठहरे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने टर्मिनल की, इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। और यहाँ पे हम बल्कि इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कार्गो रन। तो ये देखें, ये जो आखिरी लाइन है यहाँ पे गौर करें, इसने क्या किया कि वो जो हमारा फंक्शन था उसको स्टूडेंट वन का स्ट्रक्चर का रेफरेंस भिजवाया, उस फंक्शन ने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद उसने हमें एवरेज मार्क्स लास्ट लाइन में रिटर्न कर दिए थे कि स्टूडेंट नेम एवरेज मार्क्स आर, जो भी उसके एवरेज निकली है। तो यहाँ पे जो हम जिस कंसेप्ट को आगे लेके चलना चाह रहे हैं मेथड के तौर पे, वो ये है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमने एक अलग से फंक्शन बनाया है जिसको हम किसी स्ट्रक्चर का रेफरेंस पास कर रहे हैं और ये उस स्ट्रक्चर के अंदर से उसके क्विज वन और क्विज टू के मार्क्स लेके उनका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद वो हमें उसका रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है और एक जनरल फंक्शन है। अब हम इसको मतलब अभी कंसेप्ट देखेंगे कि इसको हम किसी मेथड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन था, इसको एज ए फंक्शन कॉल करते थे, कॉल करने के बाद हम इसको कुछ पैरामीटर्स भिजवाते थे और उस पैरामीटर की बेस पे ये कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके हमें उसका रिप्लाई रिटर्न करता था। ठीक है, जिस तरह के इस वाली लाइन में यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं और ये मार्क्स रिटर्न भी हो रहे हैं। तो ये हमारा जो काम था ये वो काम था जो अब से पहले तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी काम में थोड़ा सा मजीद एडिशन लाना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे कि हम इस काम के लिए एक मेथड डिफाइन करेंगे। ठीक है, और मेथड की मदद से हम यही वाला काम करवाएंगे। अब मेथड क्या चीज है? मेथड कोई अलग चीज नहीं है,
मेथड्स आर सिमिलर टू फंक्शंस, ठीक है, और ये इवन डिक्लेयर भी जिस तरह हम एफ एन के साथ आगे मेथड अभी हमने बनाया, ये उसी तरह से, ये भी मेथड भी इसी तरह से बनते हैं, इनमें भी पैरामीटर आते हैं, जिस तरह कि यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको कि हमने माई स्टूडेंट का पैरामीटर इसको पास करवाया, और ये वैल्यू भी उसी तरह से रिटर्न करते हैं जिस तरह से अभी आपके सामने फंक्शन रिटर्न कर रहा है यू ए टाइप की वैल्यू, ठीक है, और इनके अंदर उसी तरह से कोड भी होता है जिस तरह आपके सामने कोड लिखा हुआ है, लाइन जो भी हाईलाइट हुई भी है, और इनके अंदर एक या एक से ज्यादा लाइंस ऑफ कोड होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है, इनको कॉल किया जाता है। अच्छा, इनमें फर्क है, फर्क ये है कि नंबर एक तो ये कि ये स्ट्रक्ट के हवाले से डिफाइन होते हैं, ठीक है, ये जो भी हमने मेथड बनाया ये इसके अंदर हम पैरामीटर के तौर पे अभी हम स्ट्रक्चर का इंस्टांस पास कर रहे हैं, उसकी जगह हम दो अलग अलग वैल्यूज भी पास कर सकते थे, हम क्विज वन और क्विज टू की दो वैल्यूज इसको पास करवा देते और ये उसका एवरेज रिटर्न कर देता वगैरह वगैरह, तो ये था फंक्शन। जब हम मेथड बनाएंगे ना, वो नंबर एक तो ये कि वो स्पेसिफिक टू स्ट्रक्ट होगा, वो स्ट्रक्ट के हवाले से सबसे पहले तो कॉल होगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उसका जो पहला पैरामीटर है ना किसी मेथड का, वो हमेशा सेल्फ होगा, और सेल्फ क्या करेगा, ये सेल्फ किसी इंस्टांस ऑफ दैट स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा होगा, जिस इंस्टांस यानी कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर कोई इंस्टांस बनाया, उस इंस्टांस का जब हम वो मेथड कॉल करेंगे तो उस मेथड का पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा और वो उसी इंस्टांस को पॉइंट कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा ये भी हम प्रैक्टिकली भी देखने लगे, इसी ये जो हमने फंक्शन बनाया ना तो अब देखिएगा भी हम इसी फंक्शन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मेथड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब मेथड बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर हमने इसका कहाँ पे बनाया था, ये देखिए जी हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना स्ट्रक्ट रेक्टेंगल या स्ट्रक्ट ये स्टूडेंट और आगे उसके कॉलन और फिर उसकी डेफिनेशन, इसी तरह से हम फंक्शन बनाने के लिए सॉरी मेथड बनाने के लिए हम IMPL इम्प्लीमेंट के लिए IMPL और उसी जिस स्ट्रक्चर को हम जिस स्ट्रक्चर का हम मेथड बनाने जा रहे हैं उस स्ट्रक्चर का नाम दे देंगे, ठीक है। इस केस में यहाँ पे कैसे होगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे IMPL और उसका नाम दे देंगे और उसका ये कोड ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है, कोड ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पे अब हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, अभी जो हमने फंक्शन बनाया ना अपना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, और देखें इसको मैंने कॉपी करके एज इट इज यहां पे पेस्ट कर दिया। दूसरी बात जो हमें बताई गई थी वहां पे, यानी कि मैंने भी आपसे डिस्कस की थी कि फंक्शन का पहला पैरामीटर हमेशा क्या होता है, सेल्फ, सेल्फ अपने आप को पॉइंट कर रहा होता है, यहाँ पे हम सेल्फ के साथ चूंकि इस फंक्शन की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम रेफरेंस देते तो हम यहाँ पे एंड सेल्फ यानी कि सेल्फ का रेफरेंस दे देंगे, ठीक है, और इसी तरह से रिटर्न कर रहा होगा यू एट, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली जो एंड सेल्फ है ना ये जिस इंस्टांस के साथ कॉल होगा ये उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो जब हम उस इंस्टांस के किसी वेरिएबल को किसी फील्ड को रेफरेंस करना चाहेंगे तो वहां पे फिर हम उसको सेल्फ से कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे एक फंक्शन बन गया, ये वही वाला फंक्शन हमने एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट किया, हमने कहा एफ एन एवरेज मार्क्स, एक्चुअली मेथड है, मेथड इसलिए है कि ये इम्प्लीमेंट के ब्लॉक के अंदर डिफाइन हो रहा है किसी स्ट्रक्चर के, ठीक है, इसके अंदर ये फंक्शन, आगे फंक्शन का नेम आ गया,
उसके बाद उसका पहला पैरामीटर, एक से ज्यादा पैरामीटर आ सकते हैं लेकिन पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा, और चूंकि हम यहाँ पे सेल्फ को एज ए रेफरेंस यूज करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे हमने एम्परसेंट साइन भी लगा दिया। हमने बताया कि जनाब जो एवरेज मार्क्स है इसके अंदर जो पैरामीटर है वो ये इंस्टांस खुद ही होगा, इसका रेफरेंस आएगा और रिटर्न करेगा यू ए टाइप की वैल्यू, ठीक है। और इसमें करना क्या है, सेल्फ डॉट क्विज वन, जो ये इंस्टांस है इसके क्विज वन के मार्क्स को जमा कर दो इसके क्विज टू के मार्क्स में और फिर उनको डिवाइड कर दो टू से और जो वैल्यू आती है उसको रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगी डेफिनेशन कंप्लीट, डेफिनेशन ऑफ द मेथड कंप्लीट होगी, हमारा एक मेथड बन गया। जैसे हमारा फंक्शन बना था सेम उसी तरह थोड़ी सी हमने चेंज की, आपके सामने चेंज की और इसको हमने एक मेथड की शक्ल दे दी। और उसकी रिक्वायरमेंट है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमेशा IMPL के ब्लॉक के अंदर आप बनाएंगे, ठीक है। ये आप देख देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक मेथड बन गया एवीजी मार्क्स के नाम से। अच्छा, इसको कॉल करना है हमने, जैसा कि पहले हमने यहाँ पे st1.name और उसके बाद एवीजी मार्क्स को यहाँ पे कॉल करके प्रिंट करवाया था। हम क्या करते हैं कि हम इस लाइन को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और अब हम स्टूडेंट टू के लिए जब इस मेथड को कॉल करेंगे तो इसको हम कोई वो प्रोवाइड नहीं करेंगे पैरामीटर, बिकॉज अब इसका पैरामीटर जो है वो बेसिकली इसकी अपने अंदर ही पेना है, ठीक है। वो आपने देखा होगा ऊपर एंड सेल्फ के साथ वो अपने आप को ही रेफरेंस कर रहा था। तो देखें ऊपर वाली लाइन में डिफरेंस और नीचे वाली लाइन में डिफरेंस देख रहे हैं। ऊपर वाले जो लाइन है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन जो कोई भी फंक्शन हो सकता है वो कॉल हो रहा है, जबकि नीचे वाली लाइन में हम एक मेथड को कॉल कर रहे हैं। और मेथड कॉल करने का तरीका देखें कि हम इंस्टांस नेम डॉट और आगे उस मेथड का नाम दे दिया हमने और आगे सिंपल ये ब्रैकेट स्टार्टिंग और एंडिंग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम st2.avgmarks का मेथड कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फंक्शन कॉल हो रहा था जो कि हमने शुरू में बनाया था, ये वाला जो स्क्रीन में आपको नीचे नजर आ रहा है इसको हाईलाइट हुआ था। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन था, इसी फंक्शन की कॉपी बना के इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक मेथड में और उस मेथड को हमने यहाँ पे कॉल भी करवा लिया। अब देखें ये आपको एक सामने दो एग्जांपल इकट्ठी नजर आ रही है, एक जो नीचे वाली है जो हाईलाइट हुई भी है इस वक्त, उसमें आपको नजर आ रहा है किसी मेथड को कॉल करने का तरीका, जबकि ऊपर वाली में जो लाइन है इसके अंदर आपको नजर आ रहा है किसी स्टैंडर्ड फंक्शन को कॉल करने का तरीका। तो हम स्वयं को सेव करते हैं और चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो की तरफ। इसको दोबारा से रन करते हैं, तो ये देखें ये कॉलिंग का रिजल्ट है थ्रू स्टैंडर्ड फंक्शन और ये कॉलिंग का थ्रू रिजल्ट है कॉलिंग का रिजल्ट है थ्रू मेथड, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल में फर्क बासानी नजर आ गया होगा, लेकिन मैं फिर एक बार आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कोड विंडो में वापस जाके। देखें जी मेथड डिफाइन करने का एक तरीका होता है और वो ये होता है कि आप जैसे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो स्ट्रक्ट और आगे स्ट्रक्चर नेम देते हैं और आगे उसका कोड ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, उसी तरह से उस स्ट्रक्चर के मेथड डिफाइन करने के लिए आप IMPL और आगे स्ट्रक्चर नेम देते हैं, ठीक है।
और फिर उसके कोड ब्लॉक के अंदर जितने आपने फंक्शन बनाने होते हैं वो फंक्शन बनाते हैं एफ एन, और इसी तरह फंक्शन नेम दे देते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसमें आप एक्सटेंडेड फंक्शन बना रहे हैं तो सिर्फ फर्क ये होता है कि जो आपका मेथड होता है उसका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है। यहाँ पे सेल्फ होता है लेकिन चूंकि हमने इस वक्त उसका रेफरेंस पास करना था तो इसलिए हमने उसको एंड सेल्फ लिख दिया था। और उसके बाद आगे जिस तरह हम स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप जाते हैं उसी तरह इसमें भी रिटर्न टाइप होती है। जिस तरह स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर फंक्शन का ब्लॉक होता है उसी तरह इसका भी ब्लॉक होगा। जिस तरह स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर आप कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट होता है फंक्शन कॉल करने के ऊपर, तो इसी तरह से आप मेथड के अंदर भी लाइन ऑफ कोड लिखेंगे जो कि एग्जीक्यूट होगा जब इस मेथड को कॉल किया जाएगा। तो जनाब ये आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है किसी मेथड को बनाने का तरीका, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं कि इसको कॉल कैसे करना है। तो कॉल करने वाला तरीका जनाब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है जी मेथड को कॉल करने का तरीका कि यहाँ पे आप मेथड नेम सॉरी इंस्टांस नेम डॉट और फिर ये मेथड नेम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी मेथड को कॉल करवा सकते हैं। यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। ठीक है जी हाँ, स्लाइड में भी वही तारीफ लिखी हुई है कि मेथड क्या होते हैं। दे आर डिक्लेयर्ड विद अ पेन कीवर्ड एंड देयर नेम, लेकिन है पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू जैसा कि काम मेथड में होती हैं। और इसी तरह से जिस तरह काम मेथड की तरह ये भी उसी तरह से कोड अपने अंदर रिटेन रखता है जो कि रन किया जाता है कॉल किया जाता है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इनका पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होता है और नंबर टू ये IMPL के ब्लॉक के अंदर डिफाइन होते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि स्लाइड के अंदर एग्जांपल जो दी हुई है, स्लाइड के अंदर आपको पता है कि जिस तरह हम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज लेके चल रहे हैं, एक डिफरेंट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, स्टूडेंट वाली एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये दो एग्जांपल लेने का मकसद ये होता है कि आपके सामने दो तरह की ना इम्प्लीमेंटेशन आ जाए। जिस तरह जब हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया तो बुक में इसी तरह ये रेक्टेंगल डिफाइन करके, ये जो आपके सामने स्लाइड है इसमें वो रेक्टेंगल डिफाइन करके और देन उसके ऊपर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं हम, उसी के पैरेलल उसी चीज को एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर डिजाइन करके उसके अंदर काम करवा के देख रहे हैं। उसे फर्क ये पैदा हो रहा है कि आपको दोनों हवालों से आइडिया हो रहा है कि लाइक आपके सामने दो एग्जाम्पल्स आ रही हैं एक चीज की, एक तो वो ली जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है एज एन एग्जाम्पल और एक वो ली जो हम प्रैक्टिकल कोड करते हुए साथ साथ देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने जो अभी हमारी वाली एग्जांपल थी स्टूडेंट वाली उसके अंदर हमने डिफाइनिंग मेथड को बड़े अच्छे तरीके से देख लिया, सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने बुक वाली एग्जांपल को कैसे लेके चले। तो इसमें इन्होंने देखें स्ट्रक्चर एक डिफाइन किया रेक्टेंगल जिसके अंदर दो फील्ड्स थी वेड्थ और हाइट की। उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की, यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल, ये देखिए रेक्टेंगल स्ट्रक्चर का नाम था, ठीक है। उन्होंने कहा जी इम्प्लीमेंट रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल की इम्प्लीमेंटेशन हम कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उस फंक्शन का नाम है एरिया और वो एंड सेल्फ अपने आप को ही एज ए रेफरेंस लेके जा रहा है और ये रिटर्न कर रहा है U32 टाइप अनसाइंड इंटीजर 32 टाइप की ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और इस फंक्शन में हो क्या रहा है, ये अपनी वेट को और अपनी हाइट को, देखिए इसके अंदर दो ही चीजें थी ना, वेट और हाइट थी दो फील्ड थी, तो ये वेट की वैल्यू को और हाइट की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। उसको कॉल करने के लिए उन्होंने क्या किया, फंक्शन मेन में उन्होंने एक रिएक्ट के रिएक्ट वन के नाम से एक इंस्टांस बनाया रेक्टेंगल फंक्शन का जिसके अंदर वैल्यू दे दी वेट की 30 और हाइट की 50, ठीक है। और उन्होंने फिर प्रिंट एलन कॉल कराया और उन्होंने कहा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस स्क्वेयर पिक्सल। और यहाँ पे देखें इन्होंने रिएक्ट वन इनके रिएक्ट वन का जो इंस्टांस था इसके इस एरिया मेथड को कॉल करवा लिया।
ठीक है, रिएक्ट वन डॉट एरिया और आगे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंड। तो ये फंक्शन यहाँ पे इन्होंने कॉल कराया। अब इस फंक्शन का जो पैरामीटर है वो अपना आप ही है, एंड सेल्फ है। अब क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने यानी कि एस रिएक्ट वन को रेफरेंस करेगा और रिएक्ट वन की विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा रिएक्ट वन की हाइट से, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देगा। वो रिटर्न होकर वैल्यू इस प्रिंट एल की स्टेटमेंट के अंदर पहुंचेगी, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस स्क्वायर पिक्सल, यानी कि दिस से मतलब जो भी वैल्यू वहां पे वापस आएगी। ठीक हो गया जी, तो इस कोड को आप एक नज़र देख लें, और अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बिला तकल्लुफ मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। अब हमारे सामने अभी तक हम दो एग्जांपल्स देख चुके हैं, एक स्टूडेंट वाली जिसके अंदर हमने स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए थे, और एक ये रेक्टेंगल वाली जो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। अच्छा, आपने ये ख्याल रखना कि जब ये जिस तरह हमने ऑनरशिप पढ़ी थी ना, तुमने देखा था कि हम लाइक हीप के ऊपर सेव वेरिएबल्स को अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से पास ऑन करें तो उनकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और अगर हमने उनकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना करनी हो तो हम एंड लगा के उनका रेफरेंस पास ऑन करते हैं, तो वो फिर इम्यूटेबल रेफरेंस ट्रांसफ़र होता है उनका, और अगर हम चाहें तो म्यूटेबल एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके वहाँ पे उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने अपने ऑनरशिप वाले लेसन में डिटेल से डिस्कस की थी। तो आपने ख्याल रखना है कि ये जो सेल्फ वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही होंगी। अगर आप यहाँ पे खाली सेल्फ लिख देते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र के साथ वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो मेथड कॉल हो जाएगा। अगर आप एंड लगा के आके उसका नाम देते हैं सेल्फ, अब जो इंस्टांस होगा कॉलिंग जो कर रहा है इस मेथड की, वहां से उस इंस्टांस का रेफरेंस यहाँ पे पास होगा और वो ज़ाहिर है इम्यूटेबल होगा। और अगर आप चाहें तो म्यूटेबल रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंड म्यूट और आगे सेल्फ लगाना पड़ेगा। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पे जब कॉल कर रहे हो यहाँ पे आप लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है जी, यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि जनाब आप फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप एक इम्प्लीमेंटेशन का ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर फंक्शन को जो भी कोड लिखना है वो लिख देंगे, और उसको कॉल करने के लिए आप इंस्टांस नेम डॉट मेथड नेम के थ्रू उसको कॉल कर लेंगे, जैसा कि हमने देख लिया। अच्छा, ये यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, और ये एग्जांपल ये जो छोटी सी बात की हुई है ये उन लोगों के लिए जो सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स हैं। यहाँ पे उनको एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि जैसे सी या सी प्लस प्लस में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्टली उसका मेथड कॉल करवाना हो तो आप डॉट लगा देते हैं कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट के पॉइंटर के थ्रू किसी मेथड को कॉल करवा रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टार ऑब्जेक्ट यानी कि स्टैरिक और ऑब्जेक्ट, स्टैरिक आपको पता है कि वो पॉइंटर को शो कर रहा होता है, और डॉट उसके बाद फिर आप वो मेथड नेम लगाते हैं। तो रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, तो रस्ट में आप सिंपली डॉट यानी कि इंस्टांस नेम और डॉट मेथड नेम के थ्रू आप इस मेथड को कॉल करवा सकते हैं, ठीक है, और उसकी डिटेल दी हुई है, ये आप बुक में से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली उन्होंने यही बताया हुआ है कि ये जो मैंने भी आपको थोड़ी पहले बताया था कि आप यहाँ पे एंड एंड म्यूट और खाली ये जो सेल्फ है ये तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड से एज ए रेफरेंस पास होगा उस इंस्टांस का, एंड म्यूट से म्यूटेबल रेफरेंस पास होगा, और सेल्फ से क्या होगा कि वो ना सिर्फ ये कि वो जो इंस्टांस है वो पास ऑन होगा बल्कि उसकी ऑनरशिप भी फंक्शन को ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ऑनरशिप के जो हमने रूल्स पढ़े थे उन सबको सामने रखते हुए आपने एज पर योर रिक्वायरमेंट
आपने यहाँ पे जब मेथड को कॉल करवाना है तो वहाँ पे रेलेवेंट एंड सेल्फ या खाली सेल्फ या एंड म्यूट सेल्फ इस्तेमाल करना। अच्छा, अब आ गया एक और नया कंसेप्ट, हम एक फंक्शन बनाते हैं हायर के नाम से। ठीक है, और इसकी थ्योरी क्या होगी, यानी कि हायर का फंक्शन हम क्यों बनाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास तीन स्टूडेंट के इंस्टांस बने हुए यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं या एक मेथड बनाएं। और मेथड क्या करें, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड मेथड के तौर पे बनाते हैं। अब उस मेथड की रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसको, सॉरी, इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट ये, हम पहले सादा फंक्शन बनाने लगे कि हम इसको दो स्टूडेंट दें और ये हमें बता दें कि किस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं। ठीक है, सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, हम दो स्टूडेंट्स के रेफरेंसेस पास ऑन करें और ये हमें बता दें कि किस स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स ज्यादा हैं। हम एक फंक्शन बनाते हैं एफ एन हायर, इसको हम कहते हैं जी स्टूडेंट ए, जो कि एंड स्टूडेंट टाइप है, और स्टूडेंट बी जो कि ये भी स्टूडेंट टाइप है, और ये रिटर्न कर दें करेक्टर। ठीक है, करेक्टर से बुला दिए कि रिटर्न कर दिए कि ए के मार्क्स ज्यादा हैं या बी के मार्क्स ज्यादा हैं। बल्कि बूल रिटर्न कर दिए। बूल क्या है, मैं थोड़ा सा आपको भी समझा दूंगा कि बूल क्यों हम रिटर्न करवा रहे हैं। शुरू हम इस प्रोग्राम को जरा थोड़ा सा शेप में लेकर आएंगे, इसमें लाइंस लाइन ऑफ कोड लिख के। देखिए, अब हो ये रहा है कि हमारे पास दो स्टूडेंट के इंस्टांस आ रहे हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, और हम ये चाह रहे हैं कि अगर तो स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी से ज्यादा हैं तो ट्रू रिटर्न हो जाए, और अगर स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी से कम है तो फॉल्स रिटर्न हो। ठीक है, सिंपल सही बात है। अगर स्टूडेंट ए के एवरेज मार्क्स कह लें या स्टैंडर्ड मार्क्स ही कह लें चलें, वो अगर स्टूडेंट बी से ज्यादा हैं तो ट्रू रिटर्न हो, अगर स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी से कम हैं तो फॉल्स रिटर्न हो। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट ए डॉट एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन स्टूडेंट बी डॉट एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे कंपैरिजन होगा कि स्टूडेंट ए के अगेंस्ट एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होंगे थ्रू मेथड, इसी तरह से स्टूडेंट बी के
एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होंगे मैचड, और उनका कंपैरिजन होगा कि स्टूडेंट ए के मार्क्स स्टूडेंट बी से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा और कम है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट एलिन करते हैं। ठीक है, हम शो करवाना चाह रहे हैं कि st1.name, st2.name और यहाँ पे हम हायर को कॉल करवाएंगे विद दो पैरामीटर, कौन कौन से, एंड st1 एंड st2। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, चलते हैं अपनी कमांड विंडो की तरफ। कार को रन करते हैं और यहाँ पे एरर क्यों आ गया। फाइन, यहाँ पे कोई स्पेस लगी भी बता रहा है, ये स्पेस तो यहाँ पे सॉरी यहाँ लगी हुई जी। हमारा ये जो ग्रेटर देन, ये जो जहाँ पे एरर आ रहा है इस जगह पे, यहाँ पे देखें हमने ना ये बीच में एक स्पेस दी हुई है गलती से। ठीक है, स्पेस को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा कार्गो रन करते हैं, तो देखें चल पड़ा प्रोग्राम। और अब देखिए ये जो लाइन है ये बता रहा है कि स्टूडेंट ख्वाजा फैसल मार्क्स हायर देन स्टूडेंट जमील ट्रू हो गया। ठीक हो गया, और इसी तरह से हम सपोज किसी और का भी ले लेते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ अपने कोड की। हम यहाँ पे st2 और st3 का आपस में कंपैरिजन करवा लेते हैं। ठीक है जी, सेव करते हैं और चलते हैं अपने कमांड विंडो पे, सॉरी टर्मिनल विंडो पे। क्लियर, उसको चलाते हैं। अब देखें जो स्टूडेंट वन के मार्क्स हैं वो हायर है स्टूडेंट टू से, ट्रू, और स्टूडेंट टू के मार्क्स हायर है स्टूडेंट थ्री से, फॉल्स। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट वन के मार्क्स से 1000 ठीक है, सॉरी ये इसके एवरेज मार्क्स है, सॉरी, तो स्टूडेंट वन के एवरेज मार्क्स है 92 और स्टूडेंट टू के एवरेज मार्क्स है 65, तो जाहिर है ये पहली वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और सेकंड वाली भी ऑब्वियसली फॉल्स इसलिए हो रही होगी कि स्टूडेंट टू यानी कि जमील जो है इनके मार्क्स है 65, तो स्टूडेंट थ्री के मार्क्स ऑब्वियसली 65 से ज्यादा बन रहे होंगे जो एवरेज मार्क्स हैं, वो भी हमने चेक नहीं किए, वहाँ पे हम कोड में जाके देख लेंगे कितने। इस तरह से देखिए हमने इनको आपस में कंपेयर करवा लिया। लेकिन जो हमने सारा काम किया है ये वही कंसेप्ट बिल्डिंग वाली बात है कि पहले सादा कंसेप्ट हो जाए आप लोगों का डेवलप, फिर उसके बाद हम उसको मैथड की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अब देखें ये आपका ये सादा फंक्शन जो बना था, ये जो हायर वाला है, हम इसी फंक्शन को एज इट इज यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपने इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक के अंदर।
और यहां मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन था एवरेज मार्क्स का और दूसरा फंक्शन आ गया हायर वाला। लेकिन जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जनाब पहला जो इसका हमेशा आर्गुमेंट होता है किसी मेथड का वो होता है सेल्फ, और सेकंड वाला आर्गुमेंट एज इट इज इसी तरह से आ जाएगा। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि अब हम सेल्फ डॉट एवरेज मार्क्स जो हैं उसको स्टूडेंट बी डॉट एवरेज मार्क्स के साथ कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हमने एक मेथड बना लिया। अब इसमें हमने ये बताया था ना कि पहला मेथड तो हमेशा सेल्फ होता है तो उसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जब कॉल कराते हैं आप इसको सिंपल खाली ब्रैकेट में कॉल करवा देते हैं तो वो खुद से अपने आप को रेफरेंस करना शुरू कर देता है। अब हमने यहाँ पे जो पहली एग्जांपल है इसी को हम कॉल करवाएंगे यूजिंग मेथड। ठीक है, तो जो पहली लाइन है ये वाली, इस लाइन में सिंपल फंक्शन कॉल हो रहा है और सेकंड वाली लाइन में हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड लाइन में ST1 क्योंकि उसके मार्क्स को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं डॉट हायर, और उसमें पहला पैरामीटर तो सेल्फ ऑटोमेटिकली डिफाइन होता है, सिर्फ दूसरा पैरामीटर दे देंगे और दूसरा पैरामीटर होगा एंड ST2। ठीक है, अभी इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, चला के देख के रन करके मैं आपको फिर दोबारा से इस कंसेप्ट को थोड़ा सा भी आके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। तो जनाब चलते हैं अपनी टर्मिनल विंडो पे, स्क्रीन को करते हैं क्लियर। अब आपने याद रखना है कि हमारी जो आखिरी दो लाइन्स है वो सेम आउटपुट देनी चाहिए उनको। तो देखें जी, स्टूडेंट ख्वाजा फैसल मार्क्स हायर देन स्टूडेंट जमील ट्रू, और नीचे वाली भी सेम स्टेटमेंट या सेम रिजल्ट दे रही है, स्टूडेंट ख्वाजा फैसल मार्क्स हायर देन स्टूडेंट जमील। सिर्फ फर्क क्या है कि जो ऊपर वाली है वो सिंपल फंक्शन से कॉल हो रही है और नीचे वाली मेथड से कॉल हो रही है। और इस मेथड में, अब की बार वाले मेथड में देखें, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, पहली लाइन में एवरेज मार्क्स वाला मेथड कॉल हो रहा था और दूसरी वाली में एवरेज मार्क्स वाला फंक्शन कॉल हो रहा था और दूसरी वाली में एवरेज मार्क्स वाला मेथड कॉल हो रहा था। इसी तरह से यहाँ पे हमने पहली लाइन में हायर मार्क्स कैलकुलेट किए थे यूजिंग सिंपल फंक्शन, और यहाँ वाली लाइन में हमने यही एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए यूजिंग मेथड ऑफ द स्ट्रक्चर। चलते वापस कोड में और वहां जाके मैं आपको इस सारे फिनोमेना को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ जीरो से। देखिए जी, हमने क्या किया, हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम था स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर हमने रोल नंबर, नेम, क्विज वन और क्विज टू सेव करवा लिया, ये उसकी फील्ड आ गई उस स्ट्रक्चर की। देन हमने उस स्ट्रक्चर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की, और उस स्ट्रक्चर के लिए हमने दो अदर मेथड्स बनाए। ठीक है, पहला मेथड क्या है, वो एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करता है, और दूसरा मेथड जो है वो हायर चेक करता है कि किस स्टूडेंट के मार्क्स हायर हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इनके दिस से मुरादी की जो जिस इंस्टांस के ऊपर आप इस मेथड को कॉल किया। तो हम पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है एवरेज मार्क्स। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मेथड होते हैं उन मेथड का हमेशा पहला पैरामीटर जो है वो सेल्फ होता है, वो अपने आप को यानी कि उसी इंस्टांस को जिसके लिए कॉल किया होता है उसको रेफरेंस कर रहा होता है। तो हमने एक एवरेज मार्क्स का फंक्शन बनाया जिसके अंदर एक ही पैरामीटर है जो कि पहला पैरामीटर, आपको होता है कि पहला पैरामीटर हमेशा आपने याद रखना है सेल्फ होता है, अपने आप को पॉइंट कर रहा होता है। तो हमने एक फंक्शन बनाया एवरेज मार्क्स जो जिसके अंदर अपना आपका ही रेफरेंस आता है और ये रिटर्न करता है U8 टाइप, और उसके अंदर होता क्या है कि सेल्फ का क्विज वन जिस इंस्टांस के ऊपर उसको कॉल करेंगे उसका क्विज वन और उसके क्विज टू की वैल्यू को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद टू से डिवाइड कर लेते हैं ताकि एवरेज मार्क्स आ जाए उसके पास। ठीक है, और वो एवरेज मार्क्स ये रिटर्न कर देता है, ये जो
पहला वाला फंक्शन है, ठीक हो गया। फिर है जी दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या करते हैं, उसका नाम है हायर। वो पहला पैरामीटर तो एज इट इज सेल्फ लेता ही लेता है, प्लस एक और इंस्टांस भी स्टूडेंट टाइप का ही लेता है जिसका नाम रख देता है स्टूडेंट बी, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि ये जो इंस्टांस जिसके ऊपर कॉल हो रहा है उसके एवरेज मार्क्स जो सेकंड रेफरेंस पास हुआ है उसके एवरेज मार्क्स से ज्यादा है या कम है। अगर तो ज्यादा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर कम है तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा चेक था। अब इन मेथड्स को हमने कॉल कराने का तरीका देखना है, तो ये देखें जी यहाँ पे इस लाइन में, सॉरी मेरा स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा कोड जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, अब आपको ये पूरा कोड नजर आ रहा होगा, तो ये देखें यहां पे हमने मेथड कॉल किया st2.averagemarks का, ठीक है। तो इसके अंदर हमने कोई रेफरेंस पास नहीं किया, तो इसने st2 का रेफरेंस एज ए सेल्फ भिजवा दिया और st2 के मार्क्स जितने भी थे उस पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने ये सेकंड अभी जो हायर वाला बनाया फंक्शन जो भी हमने डिस्कस किया था, तो उसके अंदर वैसे तो हायर के जो फंक्शन है उसमें दो पैरामीटर डिफाइन हुए हैं, सेल्फ और स्टैंडर्ड इन द स्टूडेंट बी सेकंड वाला। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सेकंड मेथड का हवाला देंगे। पहला तो हमें पता है ना कि हमेशा मेथड का एक जो पहला पैरामीटर होता है वो हमेशा सेल्फ होता है और अपने आप को पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको कॉल करते हुए सिर्फ सेकंड पैरामीटर जो है और वो कौन सा, st2 का रेफरेंस, st2 जो स्टूडेंट हमने डिक्लेयर यहाँ पे किया वो इंस्टांस है उसका। अब क्या होगा कि जब st1.hire कॉल हुआ उसको साथ एक पैरामीटर st2 का भी भिजवाया गया रेफरेंस का, तो अभी क्या करेगा ये यहाँ पे सेल्फ के अंदर तो st1 के एवरेज मार्क्स ले आएगा और स्टूडेंट बी वाली जगह पे यहाँ पे st2 के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने का और इनको आपस में कंपेयर करेगा। अगर तो st1 के एवरेज मार्क्स st2 के एवरेज मार्क्स से ज्यादा होंगे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा वरना फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये तरीका होता है किसी मेथड को डिफाइन करने का, किसी मेथड को कॉल करने का और फिर मेथड में एक से ज्यादा पैरामीटर्स पास करने का। इन तीन चीजों को भी हमने सेशन के इस वाले हिस्से में डिस्कस किया। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ लें, अगर नहीं है तो 5 मिनट की लेंगे ब्रेक और ब्रेक लेने के बाद हम वापस आएंगे तो हम आज के सेशन के दूसरे हिस्से की जानकारी बढ़ेंगे जिसमें हम एसोसिएटेड फंक्शंस को देखेंगे कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए। ओके जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस और हम देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर इनकी एग्जांपल रेक्टेंगल वाली उसके साथ इन्होंने वो जो एक से ज्यादा रेफरेंस वाला फंक्शन है उसमें क्या किया। तो देखें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मेथड बनाया कैन होल्ड
इसका मकसद ये था कि वो चेक करें कि हमने इस जो इनका बुक वाला कोड है या जो स्लाइड्स में भी कोड चल रहा है उसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक रेक्ट एंगल को आगे लेके चले, ठीक है। तो रेक्ट एंगल आपको पता है उसकी एक हाइट होती है और एक विड्थ होती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जनाब एक कैन होल्ड का फंक्शन बनाओ होल्ड करने में इस प्रॉब्लम आ गया था मेरे ख्याल में नेट की स्पीड में। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैन होल्ड का फंक्शन बनाया और कैन होल्ड